बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गले का बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जो कोई भी बासानी इसे बना जाएगा, क्योंकि ये डिज़ाइन ही इतना इजी है। जिसके लिए मुझे लेना होगा एक फैब्रिक पट्टी, ये है लेस मैंने ली है रिंग वाली, आप कोई भी लेस ले सकते हैं, बट दोनों तरफ इसके इस तरह का जो सिलाई में दबाव वाला बॉर्डर है वो होना चाहिए। तो ये है लेस, ये है सिंपल पट्टी। अच्छा, मेन जो चीज़ है इसके अंदर ये है टुकड़ियों वाले ब्लॉक जो मैंने बनाकर रेडी किए हुए हैं, मगर मैं आपको मुकम्मल बनाना सिखाऊंगी, इसकी साइजेस भी बताऊंगी। तो मैंने ये रेडी करके रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए। इसे रेडी करने के लिए मैंने ली है दो कलर की पट्टियाँ, एक वाइट में और एक इसमें ग्रीन कलर में। आप अपने ड्रेस के हिसाब से टू शेडेड पट्टियाँ लेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई आप अपने साइज़ के हिसाब से लेंगे। जितना ज़्यादा आपका कपड़ा लंबा होगा उतनी ही जल्दी आपके ये ब्लॉक बन जाएंगे, क्योंकि थोड़े कपड़े में ये है कि थोड़े बनेंगे, लंबी लंबी पट्टियाँ होंगी तो ज़्यादा बनेंगे। तो ये दोनों की चौड़ाई सेम होनी चाहिए, लंबाई ज़्यादा होगी तो भी चलेगा, कम होगी तो भी चलेगा। तो सबसे पहले रेडी करते हैं ये ब्लॉक बनाना, उसके बाद अपना डिज़ाइन कम्प्लीट करेंगे। अब इस पट्टी को किसी नोकदार चीज़ से हम सीधा कर लेंगे। मैं इसे बॉल पिन से सीधा करूंगी। अब इसे प्रेस करके नीट करेंगे। अच्छी प्रेस के लिए पहले हम इस पर हल्का सा वाटर शावर करेंगे, इससे बहुत ही बेहतरीन सी प्रेस होगी, जो भी सिलाइयाँ हैं हमारी वो सारी इस तरह निकल जाएंगी। पट्टी को मैंने प्रेस कर लिया है। अभी ये स्क्वायर बॉक्सेस बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। हमने पट्टी को पहले इस तरह फोल्ड करना है और साथ साथ हल्का हल्का वाटर शावर करते जाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह फोल्ड करेंगे नीचे की साइड पर, इसे भी प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर एक बार इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे। और प्रेस करेंगे। रेडी है, ठीक है। मैं फिर एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, जिन लोगों को समझ नहीं आया हो आप लोगों ने गौर से इसको देखना है। इस पट्टी को हमने ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है, हल्का सा प्रेस करना है, और जो नीचे वाली पट्टी है इसे नीचे की साइड पर मोड़ना है, फिर इसे प्रेस करना है, और फिर इस पट्टी को नीचे की साइड मोड़ना है। तो ये रेडी है। जितनी ज़्यादा प्रेस की मदद लेंगे उतने ही ये बॉक्सेस नीट एंड क्लीन बनेंगे, कोई झोल नहीं आएगा। इसकी हमें जो नोके हैं ना, ये नोके निकली हुई चाहिए। जितनी इसकी ये नोके निकलेंगी इतनी इसकी लुक पता चलेगी। तो इसी तरह मैंने सारे बॉक्सेस रेडी कर लिए थे। अब इन बॉक्सेस का कमाल ये है कि आप इन्हें जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्लीव्स के डिज़ाइन पर, गले के डिज़ाइन पर, ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर, दुपट्टों के ऊपर। मतलब बनाने में थोड़ा सा ये मुश्किल है, मुश्किल भी है और टाइम भी लगता है, बट आपने इन्हें एक ही साथ बना के रखना है और जहाँ जहाँ दिल करे आपने इसका इस्तेमाल करके अपने ड्रेस में 4 चांद लगाने हैं। तो ये बॉक्सेस मैंने रेडी कर लिए हैं, फिलहाल हम इसे करेंगे साइड, क्योंकि ये आगे चल के हमारे गले में इस्तेमाल होंगे। तो जो मेन हमारे गले का डिज़ाइन है, हमने इस लेस को नीट करना है, इसके ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हमने एक लुक देनी है, इसे सादा नहीं छोड़ना, इसे लुक देनी है। तो फिलहाल हम इसके लिए इस पट्टी को तैयार करेंगे। पट्टी पर लगानी है हमने सिलाइयाँ, हमेशा हम सिलाइयाँ लगाते हैं इस तरह ट्रायंगल शेप में, मगर इस डिज़ाइन में हम सिलाइयाँ लगाएंगे सीधे में। तो मेरे पास ये वुड का स्केल है, ये 1 इंच चौड़ा है और हमें 1 इंच चौड़े के निशान लगाना है। पूरी पट्टी को मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब इसके ऊपर लगाएंगे सिलाइयाँ। सिलाइयाँ लगाने के लिए मैं वाइट थ्रेड का इस्तेमाल करूँगी।
तो सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, अब इसे बीच में से कट करेंगे। अब इस पट्टी को अच्छी तरह प्रेस करेंगे, उसके बाद इसे पलट करना है और हल्का हल्का वाटर शावर करना है। इसमें मैंने बुकरम नहीं लगाया, अगर बुकरम लगाते तो ये बहुत हार्ड हो जाती, ना ज़ीरो का बुकरम ना रेगुलर बुकरम। एक तय करेंगे, उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर इसे फोल्ड करेंगे। जितनी नीटनेस ऊपर की साइड से होनी चाहिए उतनी ही नीटनेस इसकी अंदर वाली साइड से होनी चाहिए, और दबाव एक होना चाहिए वरना हमारी पाइपिंग मोटी या पतली हो जाएगी। एक साइड से मैंने नीट कर लिया है, इसी तरह मैं दूसरे वाले साइड को नीट करूंगी। तो पट्टी को मैंने नीट कर दिया है और नीचे से भी मैंने इसे नीट कर दिया है। ये बिल्कुल रेडी है गले में यूज़ होने के लिए। और ये है गला, मैंने गला रेडी कर लिया है, मगर मैं आपको इसकी साइजेस बताऊंगी। नॉर्मल वी गला है जो अक्सर रेगुलर मैं अपने ड्रेसेस पे बताती रहती हूँ। 7 इंच इसकी चौड़ाई मैंने रखी है और 8 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब इस गले को नीट करते हैं। अब गले को प्रेस करके तुरपाई करेंगे। गला मैंने तुरपाई कर लिया है, अब लगाएंगे ये लेस। तो लेस लगाने के लिए मैं इसकी स्लिट नापूंगी कि मुझे कितने इंच पर ये लेस उतारनी है। तो मैं निशान लगाऊंगी इसका 19 इंच पर। आप अपने साइज़ के हिसाब से इस लेस को छोटा या बड़ा भी करेंगे। तो स्क्वायर बॉक्सेस लगाना हम इस नोक से स्टार्ट करेंगे। तो गले का डिज़ाइन हो गया है कंप्लीट और इसकी लुक है आपके सामने। किस तरह मैंने इसे सेट करा है, मैंने इन स्क्वायर बॉक्सेस को 5 इस साइड पे लगाए हैं, 5 इस साइड पे लगाए हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप एक ही पट्टी में इसे पूरा भी कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करने के लिए। अच्छा, मैंने इस साइड को जो है ना, एक साइड को मैंने बिल्कुल सिंपल छोड़ा है। अगर हम इसमें भी लगाते तो बहुत ज़्यादा ये मिक्सअप हो जाता, बट इसकी लुक यही थी कि एक साइड पर हो। और आपने मुझे बताना है कैसा लग रहा है ये डिज़ाइन बनकर। उम्मीद करूँगी पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, और मेहनत बिल्कुल भी नहीं है इस डिज़ाइन में। इसे कोई भी फ़ौरन से बना लेगा, बिगनर्स हो या प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, अनाड़ी से अनाड़ी भी इसे बना जाएगा। बस आपने इस लेस को कवर करना है पाइपिंग के साथ। पाइपिंग में सिलाइयाँ लगाने का रीज़न ये था कि सिंपल कपड़े के ऊपर हमने सिंपल की पाइपिंग की, यानी कि
और पाइपिंग करने के बाद ये थोड़ा सा नुमाया हो रहा है कि हमने इसके ऊपर पाइपिंग की है। जो लेस के एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी छुप गया है और ये जो हमने बॉक्सेस लगाए हैं ये भी इसके अंदर दब गए हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बॉक्सेस बनाने की पूरी टेक्निक, पूरा मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप ये काफ़ी ज़्यादा बना के रख लें। आप इसे अपने स्लीव्स के ऊपर, दामन के ऊपर, दुपट्टे के ऊपर, मतलब जितना ज़्यादा इसको लगा सकते हैं लगाएं। दो कलर के हैं, बहुत ज़्यादा फैशन में है। इसका एक और आएगा ट्राइंगल बनाना, वो भी किसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपने बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज का गले का डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप मेरे काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी बहनें सीख रही हैं मुझसे और वो अपने घर में बैठ कर काम करके पैसे भी कमा रही हैं, अर्न भी कर रही हैं। वो बहुत ज़्यादा मुझे दुआएँ भी देती हैं। कोई बात नहीं, बस आप सबने इसी तरह मुझे सपोर्ट करना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डिज़ाइन, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।